जहरीले जाकिर नायक के खिलाफ अब पाकिस्तान के लोग भी सड़कों पर उतर चुके हैं, जगह जगह उसके पुतले फूके जा रहे हैं। कट्टरपंथी जाकिर नायक ने पैगंबर साहब को लेकर कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे अब पाकिस्तान के आम लोगों का गुस्सा भड़क चुका है। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार पलक पावड़े बिछाकर इसकी मेहमान नवाजी कर रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों ने जाकिर नायक को रो का एजेंट बताया है। इसके साथ ही सर तन से जुदा का नारा लगाकर इसकी मौत की सजा देने की मांग की है। पाकिस्तान से सामने आए वीडियो से हाहाकार मचा है। हर तरफ जाकिर नायक को लेकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। तो कैसे जाकिर नायक के खिलाफ पाकिस्तान में निकल रहा है जुलूस, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। पाकिस्तान में गूंजा सर तन से जुदा का नारा, पाकिस्तान में कट्टरपंथी के लिए मौत की सजा, लोगों ने जाकिर नायक का जलाया पुतला, मोहम्मद पैगंबर पर जाकिर नायक के बिगड़े बोल। छीना ठोकना बेहतर है बनिस्बत ना मेरे को छू ना अल्लाह के रसूल से यदि से। मेरी बहन माशाल्लाह बिजनेस हैंडल करती है, बहुत बड़ा बिजनेस, सिर्फ लेडी सेक्शन जेंट सेक्शन अलग। लेकिन क्यों खातून बने, क्या मर्द मर गए उस दुनिया के? आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। जिस पाकिस्तान ने रेड कार्पेट बिछाकर जाकिर नायक का वेलकम किया, अब उसी पाकिस्तान में उसके खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि उसके चौराहों पर पुतले फूके जा रहे हैं। खुद को इस्लाम का जानकार बताने वाला जाकिर नायक, अब उस पर लोग थूक रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाकिर नायक की जमकर फजीहत हो रही है। हर तरफ से उसकी लानत मलानत की जा रही है, सरेआम उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब पाकिस्तान से एक और ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें जाकिर नायक के सर तन से जुदा का नारा दिया जा रहा है। पाकिस्तानी अब उसे रॉ का एजेंट बता रहे हैं। जिन्ना लैंड में जाकिर नायक की तगड़ी बेइज्जती हो रही है। आपको भी दिखाते हैं इस वीडियो में कैसे जाकिर नायक के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं। गुस्ताख नबी की एक सजा, सरदर से जुदा, सरदर से जुदा। गुस्ताख नबी की एक सजा, सरदर से जुदा, सरदर से जुदा। गुस्ताख मोहम्मद तेरी अब खैर नहीं है, तेरी अब खैर नहीं है, तेरी अब खैर नहीं है। खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं है। गुस्ताख मोहम्मद तेरी अब खैर नहीं है, खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं है। गुस्ताख मोहम्मद तेरी अब खैर नहीं। भारत का भगोड़ा इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक इस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है। उसे पाकिस्तानी सरकार ने अपना मेहमान बनाकर अपने ही देश के लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। वह पाकिस्तान में रहकर ही वहां की महिलाओं की जबरदस्त तरीके से बेइज्जती कर रहा है। हद तो तब हो गई जब उसने इस्लाम पर ही सवाल उठा दिया, जिसको लेकर अब कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी भी उसके खिलाफ फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं और उस पर बैन लगाने की बात की जा रही है। जिस तरह से भगोड़ा भारत में बैन है, उसी तरह पाकिस्तान में भी उस पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की जा रही है। महिलाएं उसे लात मारकर पाकिस्तान से भगाने की बात कर रही हैं। वहीं कुछ लोग तो पाक सरकार से कह रहे हैं कि उसे भारत सरकार के हवाले कर दिया जाए। सुनिए उसके लेटेस्ट वीडियो को जिसमें जहरीला जाकिर नायक अब इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, जिससे पूरी दुनिया में उसके खिलाफ गुस्सा भड़क गया है। हाउसवाइफ हूं और मेरा सवाल ये है कि एक औरत तकरीबन 30-32 साल किसी एक आदमी के साथ जिंदगी बसर करती है, उसके साथ वो छोटे से छोटी चीज को महसूस करती है, घर बनाती है, सब करती है, और उसके बाद अगर वो शोहर छोड़कर किसी और औरत की तरफ इन्वॉल्व होता है, तो क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए कि उसको बंद गली में छोड़ने के बजाय, उसके बच्चों को जहनी मरीज बनाने के बजाय उसको भी सर की छत दी जाए? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर औरत दूसरी मर्द के तरफ जाना चाहे और वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, जबकि मर्द उससे बच्चे भी छीनना चाहता है, उसे बदनाम भी करना चाहता है और कोर्ट कचहरी के धक्के भी खिलवाना चाहता है। जबकि मैं खुद देखती हूँ कि कोर्ट कचहरी में ऐसी खवातीन का ढेर लगा हुआ है जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जो अपने माँ बाप के। जी शुक्रिया, जी थैंक यू। इनका सवाल था कि एक औरत अपने शोहर के साथ रहती है 32 साल और बच्चों की देखभाल करती है, फिर कुछ साल बाद वो छोड़ के दूसरे से बीवी से शादी करता है, तो उसका फर्ज नहीं होता है कि वो बच्चों को देखे? ये तो इस्लाम में हक है,
कि अगर तलाक हो जाता है, तलाक क्यों, उसके ऊपर फैसले करता हूँ, किसी गलती, बीवी की गलती थी या शोर की गलती थी, बीवी बोलेगी शोर की गलती है, शोर बोलेगी बीवी की गलती, कभी मिला ही नहीं जिसने बोला मेरी गलती है, कुछ लोग मिलते बहुत कम। ये शख्स एक औरत को सेक्स ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं समझता। वैसे इस्लाम में महिलाओं की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। मुस्लिम समाज की औरतें ही औरतों की दुश्मन बनी बैठी हैं। वो इन कट्टरपंथियों की बातों में आकर अपनी छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब और नकाब के पीछे इस तरह से उनका बचपन बर्बाद कर देती हैं, उस तरह का दबाव बनाती हैं कि वो बच्चियां भी अब इसको अपना कहें कि एक तरह से नसीब मान लेती हैं, और जाकिर नायक जैसे लोग उसका फायदा उठाते हैं। मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। ये धर्म के ठेकेदार मुस्लिम महिलाओं की तरक्की से उसके दिमागी विकास के बड़े दुश्मन हैं। हालांकि अब जाकिर नायक अपने कई बयानों को लेकर पाकिस्तान की आवाम के निशाने पर आ गया है। खासकर महिलाओं के हक को लेकर दिए गए विवादित बयान ने उसे पाकिस्तान का विलन बना दिया है। उसका एक और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जाकिर नायक इस्लाम धर्म में महिलाओं के पीएम और सीएम बनने को लेकर अपनी राय दे रहा है। वायरल क्लिप में पाकिस्तान न्यूज शो के दौरान जाकिर नायक ने महिला होस्ट के सामने ही कहा कि औरतों को पीएम या सीएम नहीं बनना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से उनके सिर पर कील ठोककर मार देना चाहिए। पाकिस्तान में वायरल हो रहा है वीडियो। जाकिर नायक का वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान अनटोल्ड ने पोस्ट किया। जाकिर नायक ने वायरल क्लिप में कहा है कि मुझे किसी भी महिला से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं किसी भी देश में औरतें ही क्यों पीएम या सीएम बने, क्या उस देश का मर्द मर गया है? इसलिए मुझे लगता है कि किसी महिला को छूने से बढ़िया है कि सिर पर कील ठोक दो। ये पहली बार नहीं है जब जाकिर नायक ने पाकिस्तान में महिलाओं के बारे में विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी उसने लड़कियों को पब्लिक प्रॉपर्टी यानी वेश्या तक कहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ आक्रोश फैल गया था। अब कह रहा है कि महिलाओं को किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए। सुनिए कैसे एक फीमेल एंकर के सामने ही ये महिलाओं को कोस रहा है। हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं एक खातून इस वक्त। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खातून थे, अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस खातून से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन क्यों खातून बने? क्या मर्द मर गए उस दुनिया के, उस शहर के, सॉरी उस मुल्क के? क्योंकि आप देखेंगे, देखिए आप मीडिया पर क्या कर रहे हैं, शेकहैंड कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर आप नामहरम को छुएंगे, एक खिला सिर में डालना बेहतर है, सिर में खिला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना। यहाँ तो नहीं, अभी प्रोटोकॉल है तो हैंडशेक करते, हमारे मर्द भी करते। मैं जानता नहीं हूँ, अल्लाह वालम हो सकता है, मैं नहीं जानता को एक मर्द को मैं नहीं देखा। खातून तो मिलाती है हाथ, कोई भी कंट्री की हो, गैर मुस्लिम है मुस्लिम, हाथ तो मिलाते ना, हराम है कि नहीं? खिला ठोकने से बेहतर है। जाकिर नायक की सोच मध्यकालीन युग की है, जो सिर्फ एक औरत को बच्चे पैदा करने की मशीन समझता है। उसे लगता है कि समाज में औरत का बाहर निकलना ही इस्लाम के खिलाफ है। यह हर जगह तालिबानी फरमान जारी कर देना चाहता है और तालिबानी शासन चाहता है। इसका एक ही मकसद है कि महिलाओं को घर में बंद कर दिया जाए और उनके साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार किया जाए। औरतों की बढ़ती ताकत इसके लिए बर्दाश्त से बाहर है। वैसे ये जहरीला जाकिर नायक यही निरुका हद तो तब हो गई जब इसने हाल ही में टीवी शो में कहा था कि अगर कोई मर्द किसी महिला एंकर को 20 मिनट तक देखता है और उसके बाद भी उसे कुछ नहीं होता है तो वो दिमागी तौर पर फिट नहीं है, यानी औरत को देखकर उसके मन में अगर कुछ नहीं जागता है तो वो मर्द ही नहीं है। इसके इस बयान से भी पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। यह बयान भी जाकिर नायक ने एक महिला एंकर के सामने उसके शो में ही दिया। सुनिए कितनी बेशर्मी से ये बोल रहा है। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। तो पाकिस्तान का सरकारी मेहमान बनकर घूम रहा जाकिर नायक ने रेप और मर्डर पर भी जो बयान दिया है, उसे सुनकर भी आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जाकिर नायक ने कहा कि अगर रेप और मर्डर करने वाले अपराधी अपना अपराध मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो अल्लाह उन्हें माफ कर सकता है।
सोशल मीडिया पर भगोड़े जाकिर नायक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस तरह के जघन्य अपराध के लिए भी माफी की शर्तें बताते हुए दिखाई दे रहा है। भारत से जाकिर नायक इतने पर भी नहीं रुका, उसने इन अपराधों के लिए महिला को ही कटघरे में खड़ा करने वाले इस्लामिक व्याख्या तक कर डाली। जाकिर नायक ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने रेप और मर्डर जैसे गंभीर अपराध किए हैं तो कुछ शर्तों के साथ उन्हें अल्लाह की माफी मिल सकती है। इसके लिए उसे कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। वीडियो में जाकिर नायक कहता है, आप किसी लड़की का रेप करते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं और इस दुनिया की अदालत साबित नहीं कर पाती है, और फिर आप सच में पश्चाताप करते हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह शायद आपको माफ कर देगा। आप सही है। अगर आपने रेप और मर्डर किया है और आप सच में पश्चाताप करते हैं और माफी मांगते हैं तो उस कैटेगरी में जिसमें आपको माफी मिल सकती है। यानी जाकिर नायक ने मापदंड तय किए और बताया कि मापदंड तय करते हुए कह रहा है, नंबर एक, आप स्वीकार करते हैं कि आपने जो किया है वो गलत है। नंबर दो, आप इसे फौरन रोक दें, आप इसे दोबारा ना करें। नंबर चार, आप माफी मांगें। इसके बाद नायक ने कहा कि अगर सभी मापदंड पूरे होते हैं तो अल्लाह आपको माफ कर देगा, भले ही आपने रेप किया हो जो एक पाप है, आपने मर्डर किया है ये भी एक गुनाह है, ये एक बड़ा पाप है, लेकिन आप वास्तव में पश्चाताप करते हैं तो अल्लाह आपको माफ कर देगा। जाकिर नायक के इसके बाद महिलाओं के खिलाफ और जहर उगलता है और कहता है कि महिलाओं को भी यौन हिंसा के लिए जिम्मेदार, यानी वो महिलाओं को ही इसके लिए जिम्मेदार मानता है। जाकिर नायक ने कहा कि दूसरा सवाल आता है कि क्या उस लड़की के साथ अन्याय नहीं है जिसका रेप किया गया है और उसका मर्डर कर दिया गया। मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि रेप करने वाला और उसे सहने वाला दोनों ही इस दुनिया में परीक्षा से गुजर रहे हैं। जाकिर नायक ने कहा कि अल्लाह ने औरत को हिदायत दी है कि उन्हें शालीन कपड़े पहनने चाहिए, शरीर को ढकना चाहिए, सिर्फ चेहरा दिखना चाहिए। अगर इन सारी हिदायतों के बाद भी वो अनैतिक कपड़े पहनती है जिससे लोग उत्तेजित हो जाते हैं और रेप हो जाता है तो इसका दोष किसे दिया जाए? लड़की दोषी है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के को रेप का अधिकार है, लेकिन लड़की को भी कुरान की हिदायतों का पालन करना चाहिए। जाकिर नायक ने तो ये तक कह दिया कि अगर लड़की ने शालीन कपड़े पहने और फिर भी रेप हुआ तो ये उसकी परीक्षा है। तो आप सोचिए कि कितनी घटिया सोच है इस शख्स की, और ये बार बार यहाँ पर कुरान का हवाला देता है और इस्लाम के हवाले से इस तरह की बातें, इस तरह की तकरीर देता है। यानी ये शख्स सिर्फ एक लड़की को यहाँ पर सेक्स सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह मानता है, और लगातार उसके जो बयान सामने आ रहे हैं वो पूरी तरह से महिलाओं के खिलाफ हैं। और पाकिस्तान में इसके बयानों को लेकर महिलाओं में सबसे ज़्यादा नाराज़गी देखी जा रही है, और अब तो लोग भी इसके खिलाफ फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में इस पर बैन लगाने की बात और मांग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार इसके आवभगत में लगी हुई है, जबकि ये वहाँ की औरतों की ही लगातार बेइज्जती कर रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।